बोकारो परिसदन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया प्रेस वार्ता। बोकारो परिसदन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों में गंभीर अन्याय ने हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। बेतहाशा बेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई समाज के मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय लोगों की कमाई को नष्ट कर दिया है। मुट्ठी भर अरबपति धन कुबेर वर्तमान व्यवस्था में शासन करते हैं और वर्तमान सरकार को कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं और वर्तमान केंद्र सरकार नाच रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव और अत्याचार किया गया है। किसानों के आय को दुगना करने वाली सरकार किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध अनियंत्रित है। अपराधियों का महिमा मंडन किया गया है। सभी स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट कर उन्हें अधीन कर दिया गया है। चुनी हुई सरकारों को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना सामान्य बन गया है। पूरे विपक्ष को निलंबित करके कानून बनाए जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। जुमलों पर स्टंट इवेंट के शोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के अन्यायों की लंबी सूची ने भारत के लोगों को भारी कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिंह एवं प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल, बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता, मनोज कुमार, अशोक मिश्रा समेत कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी, मनोज कुमार, बनवाली बावरी, आशा देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। एक्चुअली जो देश के जो आज हालात बने हुए हैं इस फासिस्ट फोर्स के कारण, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो ये कुनबा है, जो इनके कारनामे इस देश में चल रहे हैं, इनके जो अत्याचार महिलाओं पर, गरीबी पर, किसान पर, इस सारे सेक्शन को जो परेशान कर रखा है, उसको देखते हुए राहुल गांधी जी जो इसके पहले एक पदयात्रा निकाले थे जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चला था 4000 किलोमीटर, उसका एक्सटेंशन वो जो पदयात्रा था वो आर्थिक विषमताओं पर था, राजनीतिक तानाशाह पर था और सामाजिक ध्रुवीकरण पर था। जो ये पदयात्रा है, ये पदयात्रा बेसिकली आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन विषयों को लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6700 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के आसपास वो चलेंगे, जो झारखंड से होते हुए जाएंगे 800 किलोमीटर, यहाँ चलना है, 13 जिलों को हमें लगता है क्रॉस करेंगे और हमें लग रहा है आठ दिन के आसपास वो चलेंगे। तो इसी विषय पर हम लोग यहाँ आए हैं और लोगों को बताने आए हैं, अपने लोगों से मिलने आए हैं और आपके माध्यम से खासकर लोगों को बताने आए हैं कि देखिए ये जो पदयात्रा है ये आपके लिए है। राहुल गांधी जो 140 करोड़ जनता है ये उनके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने कांग्रेस पार्टी के किसी जन के लिए कर रहे हैं, वो ये पूरी पदयात्रा 140 करोड़ जनता के लिए है, उनसे मिलने के लिए, उनको हौसला देने के लिए है कि आपको परेशान नहीं होना है, इस तानाशाह सरकार से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप किसी भी कीमत पर डरते हैं तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस समय देश गुलाम थी और उस समय अंग्रेजों को भगाया था और लड़ा था, उसी तरह आपके साथ आज भी खड़ा है। आज ये दूसरे तरह के अंग्रेज हैं जिनको हटाना है, इनको हटाने के लिए आपका सहयोग चाहिए और आपके बुनियादी सवालों को उठाकर, आपके हक को दिलाकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, 22 फरवरी के जो राम अयोध्या में जो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, उसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी? 22 तारीख का जो प्रोग्राम है, 22 तारीख का प्रोग्राम एक राजनीतिक प्रोग्राम है और राम हमारे हैं। इस देश के 140 करोड़ जनता में अगर 80% हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप मुझे बताएं
कि किसी हिंदू और सनातनी से आप पूछ लें, क्या भगवान और मेरे बीच में कोई आ सकता है? भगवान मुझे जब याद करेंगे मैं जाऊंगा, 22 को क्यों, 22 को क्या है? राम राज, जब राम आए थे अयोध्या तो हर जाति धर्म के लोग स्वागत के लिए खड़ा थे। कहां लिखा हुआ था कि यहां का डीएम जाएंगे, वहां के एमपी जाएंगे, उस पार्टी के अध्यक्ष जाएंगे? बताइए कहां, किस रियासत के राजा आएंगे, कहीं था क्या? रामराज तो था, रामराज तो वो था जहां हर जाति धर्म के लोग स्वागत के लिए खड़ा थे, दीप जलाए थे। तो ये कौन सा रामराज है? ये सत्ता के, सत्ता और वोट की राजनीति, और ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है। मुझे, मैं 23 को जाऊंगा, मेरा अगर राम मुझे बुलाएंगे तो मैं 16 को जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं 15 तारीख को जा रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनका मन है, उनको लगा भगवान उनको बुला रहे हैं। राम हमारे हैं और इस हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए है, ये भारतीय, ये पाखंडियों के लिए नहीं है जो सत्ता के लिए राम का नाम यूज करते हैं। हम सत्ता के लिए नाम का यूज नहीं करते, हम अपनी आस्था के लिए करते हैं और जब मन करेगा तब जाएंगे। ये 2024 चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी फिर केंद्र में आ सकती है क्या? इस बार जो है आपको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बनाई है, उस गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडिया डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बना है हमारा, वो गठबंधन के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका एक पार्ट है। हम जितने हैं उस गठबंधन के तौर पर, इस एनडीए के 36 पार्टियों का जो गठबंधन है जिसका पता भी नहीं है कि कितनों के तो एमपी नहीं है, कितनों के तो एमएलए नहीं है, किसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ये तब तब अपना नंबर बढ़ाते रहे जब जब इंडिया गठबंधन अपना मीटिंग करते रहे। क्यों बताया इन्होंने 38? इसलिए बताया उन्होंने 38 क्योंकि 21 या 23 जून को पटना में पहली मीटिंग हुई तो इनकी हालत खराब हो गई। आज इनको इतनी लाचारी परेशानी आप देख रहे हैं। आज हमारा प्रेसिडेंट भी चुनाव हो गया, उनका क्या हुआ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं उनका क्या हुआ।